जब आगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में कई बार हमें ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, और ग्राफ जो है कई तरह के होते हैं, कर्व ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो उनके स्लोप निकालने की भी जरूरत पड़ती है। तो स्लोप किसी स्ट्रेट लाइन का कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग ये सीखेंगे। सपोज ये अपने पास एक्स और वाई एक्सिस दे दिए गए हैं, है ना, और एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बनाता है, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको एम से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, है ना। अब टेन थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करता है, जीरो भी होता है, थीटा का वैल्यू जीरो रखेंगे तो थीटा जीरो होने का मतलब है कि स्लोप जीरो है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, और थीटा का वैल्यू जब 90 रख देंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है वो जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी करता है, ठीक। फिर ऐसे निगेटिव में भी जा सकता है, जैसे इधर है तो जीरो है ना, फिर जैसे ही इधर आने लगता है तो ये निगेटिव में स्लोप होता है, निगेटिव में स्लोप जो है वो बढ़ता जाता है, यहां पर ऑलमोस्ट माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम लोग। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से पता करेंगे, जहां पर जो थीटा है वो स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा है, टैन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टैन थीटा की वैल्यू। तो अपने जो एंगल है, एंगल हम लोग जीरो से जनरली 0 से 180 तक लेते हैं, यानी थीटा की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव स्लोप मानेंगे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहां पर जो है ये थीटा जो है एक्यूट है, कह सकते हैं व्हेन थीटा इज एक्यूट स्लोप विल बी पॉजिटिव, और जैसे ही जो थीटा ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो स्लोप जो है वो निगेटिव में आ जाएगा। अगर इसको एक फिगर से समझे तो अपना स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे हो सकता है, इस केस में ये थीटा लेंगे, थीटा जो है ये 90 से बड़ा आएगा, ऑब्टूस एंगल आएगा, तो इस केस में जो है स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप विल बी निगेटिव when theta is obtuse, ठीक। तो कभी भी स्लोप निकालते टाइम ये ध्यान रखना है, अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव स्लोप, और ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो निगेटिव स्लोप, ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद कई बार हमें जो कर्व होता है कोई, या पार्टिकल का जो पाथ होता है उसका इक्वेशन निकालने की जरूरत पड़ती है। तो पाथ इक्वेशन या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है, पाथ इक्वेशन, एक्चुअली में ये जो है पाथ पर खूब सारे पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन को ये पाथ इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, इट रिलेट्स the coordinates x and y coordinates of all the points lying on the path or trajectory।
जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, हमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया गया है, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया गया है जिसके कई सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4.2, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 6.3, इसका कोऑर्डिनेट है 8.4, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 0.0, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। अब इस स्ट्रेट लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखें? आप देख सकते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट का डबल है, यानी अगर हमें ऐसे लिखना हो वाई जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट का आधा है, वाई जो है एक्स का डबल है और एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई का डबल है। मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ये रिलेशन है, आप एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई 0 आएगा, एक्स का वैल्यू जो है आप यहां पर 4 रखेंगे, एक्स का वैल्यू 4 रखने से वाई का वैल्यू 2 आएगा, एक्स का वैल्यू आप 6 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 3 आएगा, एक्स का वैल्यू आप 8 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 4 आएगा, है ना। तो अगर ये रिलेशन हमें पता है तो इस पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो पाथ इक्वेशन है या जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कुछ ऐसे ही इक्वेशंस देखेंगे, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होते हैं। जैसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन जो है पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस पर ओरिजिन से जितना ऊपर जाकर के इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, और एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जो है ये होता है टैन थीटा यानी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो सी है ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब ओरिजिन से कितना ऊपर वाई एक्सिस पर काटता है ये इंटरसेप्ट कहलाता है। अगर नीचे काटेगा तो वो निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप और इंटरसेप्ट दो अगर क्वांटिटी पता है, एम और सी पता है जो कि कांस्टेंट है, तो एक्स और वाई में रिलेशन निकल जाएगा, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास कोई स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो और यहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है 0.-2, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिखना हो तो पहले हमें दो चीजें पता करनी पड़ेगी, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो स्लोप इसका निकालेंगे तो टैन 45 डिग्री लिखेंगे, टैन 45 डिग्री जो कि आएगा 1। उसके बाद इंटरसेप्ट निकालना हो तो इंटरसेप्ट एक्चुअली में ऊपर होता है, ये चूंकि नीचे काट रहा है, वाई कोऑर्डिनेट इसका -2 बताया गया है, यानी यहां से 2 मीटर या सेंटीमीटर 2 यूनिट नीचे है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट निगेटिव में आएगा, इसको मैं लिखूंगा -2। अब एम और सी पता है तो मैं इस इक्वेशन में रखूंगा वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1 आया है इंटू एक्स और सी की वैल्यू -2, है ना। तो ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। ऐसा ही एक और इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे है ना ये कोई दो एक्सिस हो गए,
एक्स और वाई एक्सिस है ना, और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है जिसमें से ये वाला जो वैल्यू है ये दिया गया है 4 और ये दिया गया है 3। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम है स्लोप निकालना। तो स्लोप निकालने के लिए हमें ये थीटा पता होना चाहिए। थीटा कैसे पता चलेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल बन रहा है तो 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होना चाहिए है ना, अब 4 के सामने वाला 53 होना चाहिए। तो अगर ये 37 है तो ये थीटा भी 37 डिग्री होना चाहिए, यानी स्लोप निकालना हो तो मैं लिखूंगा tan 37 डिग्री। tan 37 डिग्री की जो वैल्यू है वो होता है 3/4। कैसे, मैंने बताया था कि आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, 37 के सामने 3, 4 और 5 ये वाला। तो tan 37 निकाल लेंगे तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड यानी 3/4, तो स्लोप निकल गया। उसके बाद जब इंटरसेप्ट निकालेंगे तो ये भी देखेंगे नीचे काट रहा है, ओरिजिन से नीचे काटेगा तो निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा यानी कि माइनस थ्री हो गया इसका इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप आया है 3/4 इंटू एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू -3 है तो यहां पर -3 रख देंगे तो ये इक्वेशन आ गया है ना। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये मैं इक्वेशन इसलिए बता रहा हूं कि आगे हमें कई सारे ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी में हमें रिलेशन पता हो है ना, रिलेशन पता होने का मतलब एक तरह से इक्वेशन पता होगा, जब इक्वेशन पता होगा तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से अगर ध्यान रहेगा तो, या हमें ग्राफ पता होगा तो उसे इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, और इक्वेशन पता होगा तो हम लोग उसे बहुत सारे क्वांटिटी जो है डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं है ना, इसलिए हम लोग ये ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पैराबोला है वो एक्चुअली में इसको कहा जाता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एक कोन है ना, तो इस कोन को डिफरेंट तरीके से काटने से एक अलग अलग तरीके का डिफरेंट तरीके का सेक्शन दिखेगा। जैसे मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये ऊपर से सर्किल जैसा दिखेगा है ना, ऐसे काट दूंगा तो इधर से देखने पर ये मुझे ऐसा दिखेगा कुछ है ना, तो ये क्या है, ये एक्चुअली में पैराबोला कहते हैं, इसको सर्किल कहते हैं। और इसको अगर मैं ऐसे काट दूं ऐसे तो इसका जो शेप है ये इलिप्स जैसा दिखेगा। तो कई सारी चीजें होती है, हाइपरबोला भी होता है, तो इनको सबको मिला करके कोनिक सेक्शन कहा जाता है मैथमेटिक्स में। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो जनरल इक्वेशन जो है दूसरे टाइप का होता है, हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे फिजिक्स में काम में आने वाला है। तो एक इक्वेशन होता है जैसे सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना। अब इसमें जो है इसमें कोई ऐसा पैराबोला हो, ऐसा पैराबोला हो सकता है ना, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। तो इसका जो इक्वेशन आता है, इसका इक्वेशन आता है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना। ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ओपनिंग अपवर्ड्स का मतलब ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ना। अब देखेंगे ये पैराबोला है अपना, ग्राफ देखें तो ये ग्राफ है, तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है इसलिए इसको कहा जाता है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कुछ इस टाइप का है ना, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो ग्राफ बनाया है इसका इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस
बी एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये जो है नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक। और एक और सिंपल वाला पैराबोला होता है ये, जैसे कि ये हो गया, ये होता है y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है। b क्या है? कांस्टेंट है। यहां भी a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो वो भी देखेंगे, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ही है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो ये जो वैली है वो ओरिजिन पर नहीं है, उसमें वैली जो है ओरिजिन पर है। उसी तरह से अगर इसमें ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ग्राफ को फिर से एक बार नोट करें कि ये जो मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है ये पैराबोला है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और पैराबोला कुछ ऐसा है ना, तो इसका इक्वेशन होता है, इसका होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ऐसा भी एक इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ये भी पैराबोला है। एक्चुअली में देखें तो यहां भी एक का स्क्वायर है, एक का पावर में वन है, यहां भी एक का पावर स्क्वायर है, एक का पावर में वन है। ये कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 4a हो या c हो या d हो, कुछ भी हो सकता है। यहां भी देखेंगे एक का पावर में स्क्वायर है, एक का पावर में वन है, यहां स्क्वायर है यहां पावर वन है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है। इसके बाद आता है इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स जो है अगर ऐसा इलिप्स हो जिसका कि सेंटर जो है वो सेंटर कहीं यहां पर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये हो गया अपना इलिप्स, ठीक है। इसको कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, ए कांस्टेंट है, सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है इसको, और ये जो बी है इसको कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस। और इसका जो सेंटर है, ये इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट, तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा जाता है एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मतलब ये ऐसा इलिप्स है जिसका सेंटर है एक्स नॉट वाई नॉट पर, इसका ए जो है सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है और बी सेमी माइनर एक्सिस, ए है सेमी मेजर एक्सिस और बी है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक। इसका एक और जो है इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो एक नया इक्वेशन आएगा। ये हो सकता है कि जो इलिप्स है उसका सेंटर जो है ओरिजिन पर है, तो उसको हम लोग यहां पर आगे देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, है ना, मतलब एक्स नॉट वाई नॉट जो है उसको हम लोग जीरो कॉमा जीरो कर सकते हैं, तो अपना जो इलिप्स है वो अपना इलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर चले जाएगा। सेमी मेजर एक्सिस इसका अभी भी ए है, सेमी माइनर एक्सिस अभी भी बी है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो इस केस में जो इक्वेशन है ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये भी इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है।
और ये जो इलिप्स है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो सर्किल बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल। जैसे ये इलिप्स है, अगर मैं ऐसा करूं कि इसको सर्किल बना दूं, ये सर्किल हो गया, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये जो सर्किल है इस सर्किल का रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर, और इसका सेंटर जो है ये मान लेते हैं कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर है। तो इस सर्किल का जो इक्वेशन होगा इसी से आ जाएगा, एक्स नॉट और वाई नॉट को हम लोग यहां रखेंगे, ए और बी दोनों इसमें आर के इक्वल होता है सर्किल में, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे इसी से, तो आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हो गए, आर स्क्वायर ये भी, आर स्क्वायर ये भी, इनको कॉमन लेकर के बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस आर एंड सेंटर एट एक्स नॉट वाई नॉट। इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं, मतलब ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि जो सर्किल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर चला गया। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसका रेडियस आर है। तो इस बार एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो जीरो हो गया, तो इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स नॉट जीरो हो चुका है, वाई नॉट जीरो हो चुका है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग रेडियस आर एंड सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0.0। ठीक है, एक और इक्वेशन होता है जो कि बार बार यूज में आता है, उसको मैं ही बता देता हूं, वो छोटा सा इक्वेशन होता है, उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस टाइप का, ऐसे और ऐसे, इसमें से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका इक्वेशन होता है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटना चाहिए, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट रह सके। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 12 कॉन्स्टेंट है, ये तो मैं पहले लिखूंगा 1 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 4, फिर आ जाएगा यहां से देख सकते हैं कि 4 इंटू 3, फिर 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। तो देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी x जो है वो बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 6, 12, और y जो है डिक्रीज हो रहा है 12, 6, 4, 3, 2, 1। मतलब इसमें क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे जैसे इसमें देख रहे हैं कि x जो है बढ़ता जा रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी वैसे ही x जैसे बढ़ता जाएगा तो y डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो कुल मिलाकर के इतने सारे इक्वेशन है जो हमें याद रखना है, इनका बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स में आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के एक चैप्टर पढ़ाया जाता है पूरा, है ना, उसमें आता है। हमें बस ये थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में आइडिया लेना है, ऐसे इक्वेशन हमें जब भी मिलेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया इसका यूज करेंगे।
तो ये सारे इक्वेशन सीखने के बाद हम लोगों को एक चीज और जानना चाहिए कि जैसे एक्स और वाई अपने पास इक्वेशन होते हैं, कई बार इनका भी इक्वेशन लिखने के लिए आ जाता है ना, उनकी जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे यहां पर देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हमने फाइंड किया था, उसी से यहां पर कुछ जो है रिलेट करके इनके इक्वेशन फाइंड किए जा सकते हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये जो है यहां से सी ऊपर जो है वो इंटरसेप्ट है इसका, यहां से सी ऊपर काटता है लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू सी, यानी इस पर एक्स कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा सी होने वाला है ना। तो जैसे एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस क्या हो गया, उसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो स्ट्रेट इस एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है मैं लिख सकता हूं वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आप कुछ भी रखो, वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन पर जीरो ही होना है ना। यहां पर चूंकि ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट जीरो है, तो बिल्कुल जैसे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते थे वाई इज इक्वल टू सी। अब ये सोच सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू सी कैसे आया, तो मैंने बताया था इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप जो है वो जीरो है ना। तो इसका इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू सी आ गया, और इसका वाई इज इक्वल टू सी है। अब देखेंगे एक्स एक्सिस क्या है, बिल्कुल उसके पैरेलल है जिसके लिए सी का वैल्यू है जीरो, तो उसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन एक्स जो एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन हो गया वाई इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये जो है ये मान लेते हैं यहां से ए पर काट रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब इस पर वाई हम कुछ भी रखते जाए एक्स का वैल्यू तो ए ही आना है, एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह ए आएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसी तरह से वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस का जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इसका इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका इक्वेशन, क्योंकि इसमें वाई के वैल्यू कुछ भी रखते जाए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आना है हमेशा, है ना। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि वाई एक्सिस पर काटता है, वाई एक्सिस ये हो गया, है ना, और जैसे इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट टू, तो इसका जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू टू, मतलब अगर ये हाइट टू हो गया तो हर पॉइंट पर वाई का वैल्यू टू हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन है, यहां पर ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है माइनस टू कॉमा जीरो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, यानी वाई कोऑर्डिनेट भले हम लोग कुछ भी रखते रहे लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट इस पर माइनस टू ही रहेगा, है ना। तो ये जो हो गया एक्सिस का इक्वेशन हो गया वाई एक्सिस का एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स एक्सिस का वाई इज इक्वल टू जीरो, और बाकी इनके पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू सी, वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये जो हो गए कुल मिलाकर के सारे टाइप के जो इक्वेशन हो सकते थे वो हमने अभी पढ़ लिए। तो मैथमेटिकल टूल्स में अभी हमने जो है कुछ ऐसे पार्ट्स पढ़े हैं जैसे कि फंक्शन, फिर पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि किसी क्वांटिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे कोई क्वांटिटी है एक्स उसमें चेंज निकालना है, चेंज इन क्वांटिटी एक्स, इसको हम लोग सिंबल देते हैं डेल्टा एक्स चेंज को, है ना,
और जब भी निकालना होगा तो हमेशा फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना है। ध्यान रहे कि जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा होगा तो फाइनल वैल्यू ज्यादा आएगा इनिशियल से, और तब ये पॉजिटिव आएगा, है ना। फाइनल चूंकि बड़ा है इनिशियल से तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जब क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा होगा तो फाइनल वैल्यू कम हो गया होगा, और इसलिए फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा हो तो चेंज जो है पॉजिटिव आना है, अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा हो तो चेंज जो है वो निगेटिव आना है। ठीक उसी तरह से अगर हमें निकालना हो चेंज इन अ क्वांटिटी वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई, तो जो डेल्टा एक्स है ये जब भी लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है कि हम लोग जो चेंज है वो कोई फाइनाइट वैल्यू है, ये होता है फाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी एक्स। ठीक है, मतलब वही होता है, इसका मतलब वही है कि फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह से जब हमें वाई में चेंज निकालना होगा तो कहेंगे फाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी वाई इज इक्वल टू वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। इसी तरह से इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज एक होता है, उसको हम लोग लिखते हैं dx से। dx का मतलब हो गया इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी x। इसका मतलब भी वही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन चूंकि इनफाइनाइटली स्मॉल है इसलिए इसको एक सिंबल दिया जाता है dx। अब इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर dy मैं लिखता हूं इसका मतलब हुआ इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी y इज इक्वल टू y फाइनल माइनस y इनिशियल। ठीक है, तो इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 1000 किलोमीटर जो है वो पहले से चल चुका है। ठीक है, 1000 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है और उसमें जो है 0.001 मिलीमीटर और चल गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने से चेंज हो गया। तो देखेंगे कि इसके रिलेटिव में ये वाला जो टर्म है बहुत ही छोटा है ना। अगर मैं इसको मीटर में लिखता हूं तो मीटर में लिखूंगा तो ये टर्म कैसा दिखेगा 10^6, और ये वाला टर्म कैसा दिखेगा 10^-6। तो देख सकते हैं दोनों में कितना फर्क है। इसमें अगर इस वैल्यू को जोड़ भी दिया जाए तो ज्यादा का फर्क नहीं आएगा, है ना। मतलब ये जो क्वांटिटी है इसके रिलेटिव में नेग्लेजिबल है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो dx का मतलब होता है, ये dx तब लिखते हैं जब डेल्टा x जो है वो 10^0 हो, चेंज जो है नेग्लेजिबल हो जाए, मतलब कि जीरो के आसपास कहीं हो जाए, तब चेंज को हम लोग इनफाइनाइटली स्मॉल कहते हैं और उसको dx लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कहूं कि dy डिवाइडेड बाई dx, ये जो है ये हो गया क्या इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y, और नीचे वाला हो गया इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन x। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसको हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर x में एक यूनिट का चेंज हुआ हो तो y में कितने यूनिट का चेंज हुआ होगा, ये होता है डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो dy/dx है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। मान लेते हैं कि y जो है वो x पर डिपेंडेंट है या x का फंक्शन है। हो सकता है कुछ अजीब सा इक्वेशन होगा जिसका मैं ग्राफ बनाता हूं, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसा मान लिया जाए कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया। इसमें हम दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट है a और ये दूसरा पॉइंट है b, ठीक। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है और इसका कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। अब ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं मैं एक लाइन से, ठीक है। ये लाइन है जो दोनों पॉइंट से जो है पास करता है। तो अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y1, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है ये हाइट हो जाएगा y1, और इसका x कोऑर्डिनेट है x1, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है ये x1 हो गया। उसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, यानी ये हाइट हो जाएगा कितना y2, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा x2, ठीक। अब ये जो पॉइंट है यहां से मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, है ना। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, मान लेता हूं कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों के बीच में सेपरेशन ये वाला कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1, और ये जो हाइट है इसको कितना लिखा जा सकता है, ये टोटल है y2 और ये है y1। तो y2 में से y1 माइनस करेंगे तो ये वाला हाइट आएगा, तो ये हो गया y2 माइनस y1। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को मैं दोबारा यहां बनाता हूं, कुछ ऐसा है, है ना। ये जो नीचे वाला बेस है इस ट्रायंगल का, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, क्योंकि ये क्या बता रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये जो हाइट है ये वाई टू माइनस वाई वन बता रहा है, इसको मैं डेल्टा वाई लिख सकता हूं वाई टू माइनस वाई वन, और ये एंगल है थीटा, ठीक। तो इसमें अगर मैं ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालना होगा, तो जैसा कि हमने बताया था कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं तो टैन थीटा निकालते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, है ना। तो इस टैन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से देखेंगे ये भी थीटा आ रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और यही वाला ट्रायंगल मैंने यहां बनाया है। तो इसमें टैन थीटा की वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब ऐसा मान लिया जाए कि जो डेल्टा एक्स है ये बहुत ही कम हो गया, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो ये जो स्लोप है इसको मैं क्या लिखूंगा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई को मैं लिखूंगा डी वाई और डेल्टा एक्स को रखूंगा डी एक्स, है ना। डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल होगा तो दो चीजें होंगी, एक तो इनको डेल्टा को चेंज करके डी लिख सकते हैं यानी डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और दूसरा चीज ये होगा कि ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही जगह आ जाएंगे। जैसा कि थोड़ा देर मैंने बताया था कि जो चेंज है बहुत छोटा सा होता है, ये जो चेंज है बहुत छोटा सा होता है। ग्राफ अगर मान लिया जाए कि किलोमीटर में दिया हुआ है, है ना, किलोमीटर में दिया हुआ और चेंज जो मिलीमीटर का हो रहा है, तो पहले और दूसरे पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं होगा, दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कॉन्साइड कर जाएंगे उस केस में, है ना। तो कह सकते हैं देन
पॉइंट्स ए एंड बी विल क्वाइंसाइड एंड लाइन ए बी विल बिकम टेंजेंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, तो पॉइंट ए और बी क्वाइंसाइड कर जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे ऑलमोस्ट। क्योंकि अगर सपोज ऐसा है कि एक्स वन जो है 1000 किलोमीटर है और एक्स टू क्या है 1000 किलोमीटर प्लस 0.001 मिलीमीटर, जैसा कि यहां मैंने एग्जांपल दिया था। तो और ये जो एक्स दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि किलोमीटर में दिया हुआ है, ये स्केल बनाया है और इसमें 0.001 मिलीमीटर जोड़ूंगा तो क्या पॉइंट आगे खिसकेगा या नहीं, दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे। मतलब जो चेंज है बहुत स्मॉल है तो दोनों एक जगह आ जाएंगे, और जब एक ही जगह कॉइंसाइड कर जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगा, है ना। टेंजेंट होने का मतलब ये हुआ कि ये कर्व का इस पॉइंट पर स्लोप बताएगा, जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं उसी तरह से कर्व का भी स्लोप निकाल सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में, कर्व का जो स्लोप है वो चेंज होता रहता है। जैसे ये जो कर्व है इसका स्लोप यहां पर निकालना होगा तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर स्लोप जो है ज्यादा है, यहां पर स्लोप निकालना होगा तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर स्लोप कम है, फिर यहां पर स्लोप निकालना होगा तो ऐसे आएगा स्लोप, तो ये स्लोप निगेटिव में है। तो कर्व जो है, कर्व के अलग अलग पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है ना। तो जिस पॉइंट का भी स्लोप निकालना हो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं तो उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप निकल जाता है। तो ये क्या बता रहा है, ये उस पॉइंट पर जो है स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का स्लोप बता रहा है। टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या हुआ, कर्व का स्लोप बता रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो डीवाई बाई डीएक्स है वो स्लोप बताता है ना। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या हुआ कि जो डीवाई बाई डीएक्स है यानी जो डिफरेंसिएशन है ये कर्व का इंस्टेंटेनियस स्लोप बताता है। इंस्टेंटेनियस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो स्लोप आता है ये खुद एक्स के टर्म में आता है, यानी एक्स के साथ में वेरी करता है। जैसे एक कर्व है तो कर्व का स्लोप जो है वेरिएबल है, तो वो एक्स के साथ में वेरी करता है, तो अलग अलग एक्स की वैल्यू डालने पर अलग अलग स्लोप आते हैं, यानी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप आएंगे। तो ये हर इंस्टेंट पर स्लोप बता सकता है और इसीलिए इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो dy बाई dx जो है इसका मतलब हो गया कि इट गिव्स इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ कर्व y ए फंक्शन ऑफ x। ये जो भी होगा, हो सकता है कि y इज फंक्शन ऑफ ऐसा है y इज इक्वल टू 3x² - 2x ऐसा कुछ दिया हो, तो कोई भी इक्वेशन हो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, वो इस इक्वेशन का या इस कर्व का इंस्टेंटेनियस स्लोप बताएगा। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं या ये जो स्लोप है इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें जो है कुछ फॉर्मूले सीखने होंगे और रूल सीखने होंगे। वो फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो मैथमेटिक्स में डिटेल में कराया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बस पका पकाया खाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मूला हमें दे दिया गया उस फॉर्मूले को सीखेंगे, उस रूल को सीखेंगे और हमें उसे अप्लाई करना है। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं डिफ्रेंशिएशन करने के, वो फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे। इसमें से पहला फॉर्मूला है, जैसे अगर मान लिया जाए कि जो अपना फंक्शन दिया हुआ है y इज फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू x पावर n, यहां पर n जो है
वो कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट नंबर है। तो जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब हुआ डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स, मतलब एक्स पावर एन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये एन है तो एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, सपोज अगर हमें दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स पावर टू, तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा है ना, तो उसे क्या आएगा, y की वैल्यू मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यानी मुझे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना, कहने का मतलब ये है। तो इस फॉर्मूले से, जैसे यहां पर x पावर n, n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 है, तो लिखेंगे इस फॉर्मूले से 2x पावर 2 माइनस 1, यानी ये हो गया 2x। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें x स्क्वायर ऐसा दिया गया हो, फंक्शन y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये दिया गया हो, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। इसी तरह से और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर y दे दिया गया हो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन निकालना हो, यहां पर dy बाई dx का मतलब हो गया d साइन x बाई dx, तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है cos x। ये जस्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये आएगा, तो डायरेक्ट हमें रिजल्ट ही याद रखना है। उसी तरह से अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इस तरह से जैसे अगर cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x है ना। उसके बाद अगर tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan x का जो डिफ्रेंशिएशन है ये होता है sec स्क्वायर x। उसी तरह से cot x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए, 5 फॉर्मूले हो गए। उसी तरह से और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर दे दिया गया हो हमें sec x को डिफ्रेंशिएट करना हो, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हमें cosec x को डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद रखना है। उसके बाद अगर log x हो तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई x, अगर हमें एक्सपोनेंशियल को डिफ्रेंशिएट कर, एक्सपोनेंशियल का मतलब e पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन वापस उतना ही हो जाता है, e पावर x ही हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म है c, तो कांस्टेंट टर्म में तो कोई चेंज ही नहीं होता और इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो जीरो होता है, वेयर c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म जो है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 10 फॉर्मूले हैं, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, ये 10 फॉर्मूले हो गए, इनको याद रखना है और इनको अप्लाई करते हुए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर्मूले जानने के बाद अब हम लोग
कुछ रूल्स देखेंगे डिफ्रेंसिएशन के, जिसमें से पहला रूल है, इसको कहा जाता है एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल, है ना। मतलब इसमें दो फंक्शन दिए होंगे जो कि या तो ऐड हो रहे होंगे या सब्सट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो उस केस में हम लोग इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन दिया है कुछ इस तरह से u प्लस माइनस वी। u और v जो है दोनों डिफरेंट फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हो सकता है। तो इस केस में जब हमें dy बाई dx निकालना होगा तो क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस या माइनस, अगर प्लस साइन होगा तो यहां प्लस रखेंगे, अगर माइनस साइन होगा तो माइनस रखेंगे, फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक तरह से ये जो है ये रूल हो गया। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अपने पास कोई फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इसमें देखेंगे ये सपोज u हो गया और ये v हो गया। तो जब हम लोग dy बाई dx इसमें से निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस साइन है तो प्लस रखेंगे जैसा कि यहां बताया गया है, फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो ये हो गया रूल। अब इसमें देखेंगे कि dx स्क्वायर बाई dx की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हमने ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यूज करके dx स्क्वायर बाई dx की वैल्यू यहां फाइंड किया है। dx स्क्वायर बाई dx होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, यानी टू एक्स पावर टू माइनस वन, यानी कि 2x आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है 2x पावर 2 माइनस वन, ये हो जाएगा। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, इसमें देखेंगे दूसरा वाला जो फॉर्मूला है साइन x बाई dx की वैल्यू cos x होती है। तो मैं इसको cos x लिख दूंगा, यानी अल्टीमेटली dy बाई dx की जो वैल्यू है वो हो गया 2x प्लस cos x, ये है आंसर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रूल होता है इसको कहा जाता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब किसी फंक्शन को जो है एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू यू। यू तो वेरिएबल वाला पार्ट है लेकिन सी जो है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें से dy बाई dx निकालना होगा तो हम लोग c को अलग कर देंगे और सिर्फ u को डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो है ये रूल है, ठीक। अब इस पर एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक फंक्शन दिया गया है 8x³, ये दिया गया, जिसमें से देखेंगे कि जो 8 है वो कांस्टेंट है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx तो 8 को छोड़ देंगे और x³ को डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम लोग वापस इस फॉर्मूले पर आएंगे। ये फॉर्मूला है x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, तो n x पावर n माइनस वन, यानी कि इसमें आ जाएगा 3x पावर 3 माइनस वन। तो ये देख सकते हैं कि आ जाएगा 24x स्क्वायर। तीसरा रूल है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब हुआ कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में ये फंक्शन दिया रहता है, प्रोडक्ट रूल। जैसे कोई फंक्शन दिया है u इंटू वी। अब देखेंगे कि ये भी u भी एक फंक्शन है और v भी फंक्शन है, u भी x डिपेंडेंट है, v भी x डिपेंडेंट है। तो इसमें जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx तो क्या करेंगे, पहले हम लोग या किसी को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मैं v को कांस्टेंट ले लूं और u को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। v को ऐसे छोड़ दिया, u को डिफरेंशिएट किया, अगली बार u को छोड़ देंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करना है, बीच में पॉजिटिव साइन है। तो ये एक तरह से रूल हो गया।
अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई फंक्शन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसमें, तो जैसे पहले मैं साइन एक्स को कांस्टेंट लेता हूं तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, फिर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ले लूंगा तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, मतलब कि एक को छोड़ा दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरे को छोड़ा पहले को डिफ्रेंशिएट किया, ऐसे करना है जो यहां पर रूल बताया गया है। तो यहां पर आएगा साइन एक्स और इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो है 2x, ये तो साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने अभी यहां भी निकाला था डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का, ये 2x आता है, तो इसको मैं 2x लिख देता हूं प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, जो यहां भी लिखा था हमने फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है इसका वैल्यू हो गया 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। और इसके बाद एक और रूल होता है फोर्थ रूल, उसको कहा जाता है कोसेंट रूल, है ना। कोसेंट रूल में क्या होता है कि जो दो फंक्शन है वो डिवीजन के फॉर्म में दिए रहते हैं, जैसे y हो गया x का फंक्शन, इसको लिख सकते हैं u बाई वी, है ना। अगर u बाई वी है तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें ध्यान रखना है पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंसिएट करते हैं v डी यू बाई डी एक्स, मतलब v को कांस्टेंट लिया और न्यूमरेटर को डिफ्रेंसिएट किया माइनस, इस बार फिर जिसको डिफ्रेंसिएट किया उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़ दिया था उसको डिफ्रेंसिएट कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखेंगे जो हमने प्रोडक्ट रूल में अप्लाई किया था वैसा ही कुछ यहां भी दिख रहा है, लेकिन यहां पर माइनस साइन है, तो यहां चूंकि प्लस साइन था तो ये वाला टर्म पहले आ जाए ये बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर माइनस साइन है तो इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो इसमें ध्यान रखना है कि पहले न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, यानी यू को ऊपर वाले टर्म को पहले डिफ्रेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को यहां पर बाद में करना है, तो ये इसका एक रूल है। अब इस पर एक एग्जांपल कर लेंगे। तो अभी जो हमने कोसेंट रूल सीखा है उस पर एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। मान लेते हैं कि आपने फंक्शन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये न्यूमरेटर है, समझ सकते हैं कि ये यू है और ये है वी, तो जब इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करते टाइम में पहला काम करना है कि न्यूमरेटर को डिफ्रेंसिएट करना है, यानी एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लेंगे और साइन एक्स को डिफ्रेंसिएट करेंगे, फिर माइनस साइन आएगा जैसा कि यहां पर माइनस साइन है, तो इसके हिसाब से अब क्या करेंगे, जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट मान लेंगे और जिसको छोड़ दिया था कांस्टेंट मान लिया था उसको इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर, तो ये आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद जो एक और रूल होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको कहा जाता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, ये थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए होता है जिसमें कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन ऐसे घुसे रहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ये वाई है, है ना, तो कुछ ऐसे दिया हुआ लॉग साइन एक्स स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि लॉग एक्स एक फंक्शन होता था, एक्स के जगह पर क्या है एक और फंक्शन है साइन, साइन एक्स होता था, एक्स के जगह पर भी एक्स पावर एन जैसे होता है एक्स स्क्वायर है, तो तीन डिफरेंट फंक्शन है लेकिन
तीनों डिफरेंट फंक्शन अलग अलग नहीं है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे में मिक्स्ड हो गए हैं। मतलब लॉ के अंदर साइन आ गया है, साइन के अंदर एक्स पावर एन वाला आ गया है। तो तीन फंक्शन है यहां पर डिफरेंट, लेकिन ये तीनों सेपरेट नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो लॉग है ये तो वाई है, इसको जो है हम लोग मान लेते हैं यू, और जो एक्स स्क्वायर है इसको मान लेते हैं वी। ठीक है, मतलब हमने क्या माना, यू जो है इसको ये ले लिया साइन, साइन एक्स स्क्वायर को वी ले लिया, तो यू की वैल्यू हो गई साइन वी, है ना, और जो वी है वो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई जो है एक्चुअली में लॉग यू हो जाएगा, y इज इक्वल टू log u, क्योंकि इस पूरे टर्म को मैंने u ले लिया तो y की वैल्यू होगी log u। फिर ये जो साइन था इसको हमने u ले लिया तो u की वैल्यू कितनी हो गई, साइन x स्क्वायर को हमने u लिया था और x स्क्वायर को हमने v मान लिया है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि जो v की वैल्यू है वो x स्क्वायर हो गई। तो अगर हमें यहां पर dy by dx निकालना हो तो इसमें चेन रूल लगाया जाता है। चेन रूल कैसे देखते हैं, y को हम लोग u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अब, क्योंकि y u का फंक्शन है, dy वाई बाई डी यू इंटू, अब देखेंगे कि u जो है वो v का फंक्शन है तो u को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर v जो है x स्क्वायर का फंक्शन है तो मल्टीप्लाई करते जाना है और डिफरेंशिएट करते जाना है ना, हर बार मल्टीप्लाई करते जाना है। वाई यू का फंक्शन था तो वाई को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर यू यू वी के रेस्पेक्ट, वी का फंक्शन था तो यू को वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर वी देखेंगे एक्स स्क्वायर का फंक्शन था तो वी वी एक्स का फंक्शन था तो वी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ऐसे डिफरेंशिएट करते जाना है और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या है, आप देखेंगे कि डी यू कैंसिल हो रहा है, डीवी कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, डीवाई और डीएक्स रह गया, हमें डी वाई डीएक्स ही तो निकालना था, है ना। लेकिन ऐसे कैंसिल करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो इनकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल करके ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मैं पहले डीवाई बाई डी यू निकालू, यहां पर निकालते हैं, जैसे देखेंगे कि वाई जो है लॉग यू है, वाई जो है ये लॉग यू है, तो dy वाई बाई डी यू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई यू, है ना। log x का डिफ्रेंसिएशन बताया था 1 बाई एक्स फॉर्मूला, तो log u का 1 बाई यू हो जाएगा। उसी तरह से अगर कहा जाए कि हमें निकालना है du बाई डी वी, तो du बाई डी वी क्या होगा, तो पहले u लिख लेता हूं मैं, u जो है यहां पर आप देख सकते हैं साइन v है, तो du बाई डी वी ये आ जाएगा cos v, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos v। फिर हमें निकालना है dv बाई डी एक्स, तो v जो है x स्क्वायर के इक्वल है, v इज इक्वल टू है x स्क्वायर, यानी v जो है x डिपेंडेंट है, तो जब मैं v को डिफरेंशिएट करूंगा dv बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा 2x। तो एक्चुअली में हमने तीनों जो है डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कर लिया है, है ना। अब इसमें क्या करना है, रख देना है, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो आएगा dy बाई du, dy बाई du कितना आया है 1 बाई यू, फिर इंटू du बाई dv, du बाई dv आया cos v, ठीक, इंटू dv बाई dx, dv बाई dx आया है 2x, तो इसको यहां पर रख देंगे। ठीक, अब जो भी है यू वी वो सारे x के टर्म में वापस रख देना है, जैसे 1 बाई यू है, u हमने किसको लिया था साइन x स्क्वायर को, तो यहां पर लिख देंगे साइन x स्क्वायर इंटू कॉस v हमने लिया था x स्क्वायर को, तो v को वापस x स्क्वायर रख देंगे इंटू 2x। तो ये इस तरह से देख सकते हैं कि dy वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गया cos by sin, यानी कि cot x स्क्वायर इंटू 2x, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें हमने थोड़ा सा लेंदी मेथड ले रखा है, लेंदी मेथड क्या, ये ऑफिशियल मेथड है, अगर शॉर्टकट में करना चाहें तो इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कैसे होगा देख सकते हैं यहां पर।
वापस जो क्वेश्चन है यहां पर आते हैं, इसको मैं हटाता हूं और देखेंगे कैसे जल्दी करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि तीन डिफरेंट फंक्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। एक तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, फिर साइन है और फिर लॉग है ना। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम लोग आउटर फंक्शन को करते हैं। आउटर फंक्शन क्या है? लॉग है ना। तो लॉग का डिफरेंशिएशन, जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो लॉग एक्स के जगह पर मैं ये पूरा सा गोला बना देता हूं, है ना। लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग गोले का क्या आएगा? 1/ ये पूरा गोला आ जाएगा। अब गोले में जो है सब डाल देंगे यहां पर। गोले में क्या था? साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू करेंगे। अब लॉग का कर लिया हमने, सबसे पहले आउटर फंक्शन करना है, उसके बाद जस्ट उसके अंदर वाले यानी साइन का करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, यहां पर साइन ये गोला है समझते हैं, ठीक है, साइन गोला है। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन गोले का कॉस गोला हो जाएगा, कॉस गोला। तो गोला इसलिए मैं बना रहा हूं, गोले में जो है सब रखना है यहां पर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया इंटू, अब पहले लॉग का करा, फिर साइन का करा, अब उसके अंदर वाले यानी एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है 2x आएगा, तो 2x लिख दिया, ठीक है। अब अपना डिफरेंशिएशन हो गया, अब ये गोले हटा देंगे हम लोग। ये गोला हट गया यहां से, गोला जो था अपने समझने के लिए था। तो ये क्या आया? साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने फाइंड किया था यही वाला क्वांटिटी यहां आ गया, 1/sin x² cos x स्क्वायर और 2x, ठीक। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, इससे बहुत जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं इसी पर बेस्ट। जैसे अगर अपने पास दे दिया गया हो कुछ इस तरह से, y इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e^sin x³, अगर ऐसा दे दिया गया, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले हमें आउटर फंक्शन करना है। तो इसमें तीन फंक्शन है, एक तो x³ है, x³ सबसे अंदर वाला फंक्शन है, उसके जस्ट बाहर साइन है और सबसे बाहर है एक्सपोनेंशियल वाला e वाला। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं e^x का डिफरेंशिएशन e^x ही होता है ना। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e^x का। e^ ये गोले का, e^x का e^x होता है, तो e^ गोले का e^ गोला हो जाएगा। अब गोले में जो है सब यहां रखेंगे, साइन एक्स क्यूब इंटू, अब e के जस्ट अंदर वाला फंक्शन है साइन, तो साइन का करेंगे। तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, यहां पर साइन गोला है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस गोला। गोले में जो है वो रख देंगे, यहां पर x³ है, x³ रख देंगे। उसके बाद अब साइन के अंदर है x³, तो x³ का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जैसे कि बताया उसका होता है x^n का डिफरेंशिएशन होता है nx^n-1। n की वैल्यू यहां पर 3 है, तो 3x^3-1, यानी ये जो डिफरेंशिएशन है ये हो गया e^sin x³ इंटू cos x³ इंटू 3x², ये हो गया फाइनल डिफरेंशिएशन, ठीक। एक और छोटा सा एग्जांपल, y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर दिया गया है कुछ इस तरह से 3x² + 2x, ये दे दिया गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x² + 2x^1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें चेन रूल कैसे लगाएंगे, देख सकते हैं कि ये अंदर वाले भी कुछ फंक्शन है और इनका पावर n ये भी एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आउटर फंक्शन जो है उस पर हमें हमला बोलना है, यानी सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये गोले का पावर n है, जैसे x का पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है nx^n-1। यहां पर क्या होगा, गोले का पावर n है, तो लिखेंगे 1/2 × गोला पावर 1/2-1 ×
अब गोले के अंदर जो है उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर है प्लस 2x है, तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी लगा सकते हैं, कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल भी लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करना है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है 3x स्क्वायर प्लस 2x को, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस साइन लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x बाई dx, ऐसे करना है। यहां पर इनटू है और यहां पर गोले पर, गोले में जो होता सब डालते हैं, तो ये रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा -1/2 इनटू, अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो ये c इंटू यू, कॉन्स्टेंट मल्टीपल वाला रूल लगाएंगे, 3 को हम लोग कर देंगे बाहर, ये ब्रैकेट बड़ा सा बाहर है, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, जैसे यहां पर हम लोग हर बार मल्टीप्लाई करते जाते थे वैसे वहां भी मल्टीप्लाई करना था हमें। तो 3 बाहर निकालेंगे तो dx स्क्वायर बाय dx, यानी x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x प्लस, इसमें से 2 बाहर निकाल देंगे तो x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x पावर 1 है, x पावर 1 का मतलब 1x पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1, ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो है चूंकि -1/2 है तो इसको नीचे ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 1/2, नीचे जाएगा तो माइनस को प्लस हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x और इनटू में ये आ जाएगा 6x प्लस 2, तो ये हो गया कुल मिलाकर के डिफ्रेंसिएशन। तो यही जो है चेन रूल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के लिए होता है, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो काफी आसान लगेगा।